क्या आपका वीर्य पतला है, स्पर्म काउंट्स कम मात्रा में आते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप वीर्य को गाढ़ा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका वीर्य पतला हो चुका है, पर घबराएं नहीं, इसका इलाज भी संभव है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि किन कारणों से वीर्य पतला हो जाता है। तो गलत संगत में पड़कर वेश्यागमन करने, अत्यधिक सहवास करने, हस्तमैथुन की आदत का शिकार होने के कारण वीर्य में पतलापन आ जाता है। वीर्य का पतलापन इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति का वीर्य कमजोर तथा निर्बल हो गया है। कामुक विचारों तथा अश्लील साहित्य को पढ़ने से, अश्लील वीडियो देखने से अधिक उत्तेजना के कारण वीर्यपात हो जाता है। यह स्थिति भी यदि लगातार बनी रहे तो वीर्य पतला हो जाता है। फिर किसी लड़की जैसे गर्लफ्रेंड या वाइफ आदि से बात करने में चिपचिपा पानी निकल जाता है। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि है वीर्य पतला होने के लक्षण। वीर्य का प्रमुख कार्य संतानोत्पत्ति है। यदि वीर्य पतला व कमजोर हो जाता है तो नपुंसकता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं तथा संतानोत्पत्ति कर पाने में बाधा आती है। इसके अलावा भी वीर्य पतला होने के नुकसान हैं, जैसे शीघ्रपतन, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका वीर्य अचानक निकलना, शीघ्रपतन समस्या का होना, इसलिए इसका उपचार करना जरूरी है। बहुत से लोग जिन्होंने लंबे समय जैसे 2, 5 या 10 साल तक हस्तमैथुन किया है, वो लोग अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ से बात करते हैं तो लिंग से चिपचिपा पानी निकलता है, यहाँ तक कि बिना इरेक्शन के भी पानी आता है। यानी हालात ऐसे हो गए हैं कि गर्लफ्रेंड से किसी भी तरह की बात नहीं कर पाते हैं, केवल उसके नाम से लिंग में उत्तेजना होती है और चिपचिपा पानी आ जाता है। यदि मैं 1 घंटे बात कर लूं तो 4 से 5 बार पानी आ जाता है। ऐसा पिछले 2 महीने से हो रहा है और क्या इससे नींद पे कोई असर पड़ता है? मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए। मैं वाइफ के संग फोरप्ले करता हूँ तो लिंग में से चिपचिपा पानी बहुत निकलता है, क्या कोई बीमारी है? जवाब: पहले हमें प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। ये ऐसा है जब हम भूखे होते हैं और कुछ अच्छा भोजन देखते हैं, हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता। इसी तरह आपके मामले में जब आप अपने प्रिय से बात करते हैं और कम उत्तेजित या उत्तेजित महसूस करते हैं तो आपका लिंग एक तरल साबित करना शुरू कर देता है, जिसे प्रिकम कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको पानी निकलने की समस्या है या नहीं। तो वो लक्षण है जब लिंग खड़ा हो तो उसके बाद लिंग के मुंह पर चिपचिपा पानी आ जाना, अश्लील फोटो या वीडियो देखने के बाद लिंग से चिपचिपा पानी आने लगना, मन में उत्तेजित विचार के आने के बाद लिंग से चिपचिपा पानी निकलना, फोन पर लड़की से बात करने के बाद चिपचिपा पानी निकलना। दोस्तों यह प्रमुख लक्षण है जब हम चिपचिपा पानी निकलने की समस्या से ग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं चिपचिपा पानी निकलने की समस्या के कारण की। दोस्तों चिपचिपा पानी निकलने का प्रमुख कारण है अत्यधिक हस्तमैथुन। दोस्तों जब हम अत्यधिक हस्तमैथुन करते रहते हैं तब हमारी लिंग की नसों में कमजोर हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या हो जाती है। चिपचिपा पानी निकलने के बाद शरीर पर क्या दुष्ट प्रभाव पड़ता है? जब भी चिपचिपा पानी निकलता है उसके बाद गुप्तांग ढीला पड़ जाता है। ऐसा लगता है कि गुप्तांग की शक्ति बहुत कम हो गई है, अंडकोश में भी ढीलापन आ जाता है। तो इस समस्या से लड़ने के लिए मैं आपको यह बहुत असरदार दवा बता रहा हूँ, जिसका नाम है सिमन फोर्ट। अगर आपके स्पर्म काउंट्स कम हैं तो ये प्रोडक्ट स्पर्म काउंट्स को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये एक हर्बल दवा है, ये आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस प्रोडक्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप यह प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। या फिर आपको कोई परेशानी है अमेज़न से परचेज करने में तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पर अपना फोन नंबर, नाम और फुल एड्रेस सेंड करें और लिखें, सर मुझे सिमन फोर्ट चाहिए। ये आपको कैश ऑन डिलीवरी पर 4 से 5 दिन में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसे कैसे इस्तेमाल करें। तो सारा सिमन फोर्ट का इस्तेमाल आप खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद गर्म दूध के साथ 2.5 ग्राम ले सकते हैं। और इसकी सामग्रियों की बात करते हैं तो इसके अंदर सतावरी, अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कौच बीज, बीज बन, स्लाब मिश्री जैसी और कई सामग्रियां हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस प्रोडक्ट के बारे में भी, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि अगली हेल्थफुल वीडियो आप कभी मिस न करें। तो अब आपसे बात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।